हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ साइबर बग। तो पहले तो सबको सॉरी कि वीडियो थोड़ी लेट हो गई, मेरे एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे उसके चक्कर में थोड़ी वीडियो लेट हो गई है। तो अब कोशिश करूँगा कि रेगुलरली वीडियो आती रहे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे कि वाईफाई स्लैक्स को अपने विंडोज 10 या विंडोज 8, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर वर्चुअल बॉक्स के थ्रू वाईफाई स्लैक्स को कैसे इंस्टॉल करें। ठीक है, तो सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स का काम है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वर्चुअल बॉक्स को पूरा सेटअप। ठीक है, अगर किसी ने वर्चुअल बॉक्स नहीं सेटअप करा हुआ, जो अभी न्यू सब्सक्राइबर है, जो भी, जैसे जो हमारे पुराने वाले सब्सक्राइबर है उनको तो पता ही है कैसे करना है, और अगर जो न्यू है उनके लिए अब ऊपर आई का बटन, हाँ अब आ गया होगा आई का बटन, कि वर्चुअल बॉक्स को ये पूरा सेटअप कैसे करें कि एकदम रेडी टू यूज रहे ये। तो इस वीडियो को पहले देख के आओ, 2 मिनट रुको मैं तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो देखो फटाफट देखो। ठीक है, अब आ गए देख के। चलो तो अब आपका वर्चुअल बॉक्स रेडी है एकदम। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करेंगे, नेम दे देते हैं वाईफाई स्लैक्स साइबर बग। ठीक है, इसका हमारा टाइप क्या है, ये लिनक्स टाइप का है, डेबियन 64 बिट। मेमोरी आप अपने हिसाब से दे देना, मेरे हिसाब से 2 GB इनफ है। मेरे पास तो 16 GB है, कितनी भी दे दो लेकिन 2 GB मेरे हिसाब से इनफ है। ठीक है, इसके बाद क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ पे क्लिक करे रखना। ये आप तो आप जब भी चलाओगे आपको ऐसा दिखेगा, जब भी आप न्यू पर क्लिक करोगे आपको ऐसा दिखेगा। तो नीचे आपके पास ऑप्शन एक्सपर्ट मोड का होगा, एक्सपर्ट मोड पर क्लिक करना, नहीं तो यहीं से आपको बता देता हूँ। जैसे न्यू आपने क्लिक करा, आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा, इधर आपने नेम डालना है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम क्या रखना चाहते हो। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ वाईफाई स्लैक्स साइबर बग। इसका टाइप क्या है, लिनक्स टाइप है, वर्जन क्या है, डेबियन 64 बिट। नेक्स्ट करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा कितनी रैम देनी है, तो मैं दे रहा हूँ 2 GB, इनफ है 2 GB। ठीक है, आराम से चलेगा, बाकी जितनी आपके उसमें आपके सिस्टम में है रैम उतनी देना। अब ऑप्शन आया हमारे पास, डू नॉट ऐड अ वर्चुअल हार्ड डिस्क, क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ, यूज एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल। तो मैं इसको जो डिफॉल्ट सेटिंग है, क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ, इस पर रहने दूंगा एंड क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, VDI वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल टाइप हमें क्या रखनी है, VDI रखते हैं, वर्चुअल डिस्क की में जाइए। ठीक है, नेक्स्ट करा मैंने, डायनामिकली एलोकेटेड होगी स्टोरेज। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं, कितनी स्टोरेज एलोकेट कर रहे हैं, जो हमने VDI ये वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाई थी तो 8 GB एलोकेट कर देते, बहुत है। ठीक है, अभी हमारी क्रिएट हो गई है, लेकिन इसके अंदर अभी कुछ इमेज वगैरह नहीं है कि हमारा क्या है, IOS फाइल हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी, हमारे पास इमेज भी तो होनी चाहिए हमें जो डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके लिए हम जाएंगे अपने सी, मैंने इंस्टॉल कर रखा हुआ है, इसको डाउनलोड कर रखा हुआ है, OS ये रहा हमारा। तो आप सभी को ये जैसे macOS का मैंने दिखाया था, तो नीचे आपको लिंक मिल चुका था कि कहाँ से डाउनलोड करना है सारा सारी रिक्वायर्ड फाइल। तो इसके अंदर सिर्फ यही रिक्वायर्ड फाइल है, ISO फाइल है, ये आपको मिल जाएगा नीचे लिंक के अंदर, जाके देखो, ड्राइव का लिंक होगा, डाउनलोड कर लेना इसको, मैं अपलोड कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे स्टोर कर ली है। और मैक ओएस, मैंने मैक ओएस की बात करी तो कुछ लोग हैरान होंगे कि इसके ऊपर मैक ओएस कैसे। तो यस, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैक ओएस अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर मैक ओएस कैसे डालें, मैक ओएस कैसे रन करें, ये रही वीडियो। ठीक है, ये मैक ओएस है, तो देखनी है वीडियो, मैक ओएस चलाना है, आ गया आई का बटन, लो ये भी देखो, जाओ। चलो इसको रेडी करते हैं, वाईफाई सिलेक्ट साइबर बग। हमने ओएस कहाँ पे, हमने इसकी फाइल ISO फाइल कहाँ पे डाली हुई है, विंडोज सी में OS। ठीक है, अब हम वापस जाएंगे यहीं पे अपने वर्चुअल बॉक्स में, इसकी खोलेंगे सेटिंग्स। सेटिंग्स खोलने में सिस्टम, सिस्टम में जाएंगे, फिर जाएंगे प्रोसेसर, हाफ प्रोसेसर दे देना या 2 दे देना, आपकी मर्जी, मैं 2 दे रहा हूँ इसको भी प्रोसेसर। वीडियो मेमोरी फुल कर देना जितनी भी होगी। यहाँ पे है मेन स्टेप, कंट्रोलर। ठीक है,
ये रहा कंट्रोलर। इसके अंदर आपको क्या करना है, ये प्लस का ऑप्शन होगा एड ऑप्टिकल ड्राइव, यहाँ पे क्लिक करो एंड देन एड पे क्लिक करो एंड वहां पे जाओ, उस पाथ पे जाओ जहाँ पे आपने ये अपनी जो मैंने नीचे आपको ISO फाइल दी थी जहाँ से आपने डाउनलोड करी थी और जहाँ स्टोर करी थी, वहां पे जाओ उस पर क्लिक करो एंड देन चूज पे क्लिक करो। ये हो गई है यहाँ पे। अब कंट्रोलर में यहाँ पे भी एक बार ऐड कर दो एड्स ऑप्टिकल ड्राइव, ऐड पे क्लिक करो, उस पाथ पे जाओ जहाँ स्टोर करी है, उस इमेज को चूज करो, ओके कर दो। अब हम कर देंगे यहाँ से ओके, ठीक है ओके कर दिया, सब ओके है, फाइनल है। अब हम करेंगे इसको स्टार्ट। या ये वाइवस लेक्स का ये स्टार्ट हो गया है, बूट ऑप्शन, बूट मेन्यू। तो ये स्पेनिश है मे बी, तो इसमें आपने ये SMP वाले पे जाना। अब हम करेंगे इसके अंदर वाइवस लेक्स, हमें KDE प्लस परसिस्टेंट चाहिए, ओके। अब ये कुछ बैकएंड पे काम वगैरह करेगा कि हम ISO फाइल डालिए तो हमें चलानी भी तो है उसे। तो ये बहुत सारे लोगों ने पूछा था, तो वीडियो आ गई है आपके लिए। ये प्रेस एंटर टू कंटिन्यू ऐसे ही लग रहा है कुछ, है ना। चलो एंटर मार देते हैं। हाँ चेक कर रहा है चीज़ें, इंस्टॉल भी करेगा अगर नहीं होगी तो। यस इसको होने देना, जितना आपने रैम दिया होगा उस हिसाब से ये आपके प्रोसेसर की स्पीड पे और जितनी रैम आपने इसको एलोकेट की होगी उस स्पीड के ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। होने दो इसको। यस वाईफाई सिलेक्ट से हमारा इंस्टॉल होने वाला है, बस 2 मिनट का और इंतज़ार है, फिर आप सभी वाईफाई सिलेक्ट को आराम से यूज़ कर सकते हैं। यस तो ये है हमारा वाईफाई सिलेक्ट, इंस्टॉल हो चुका है, रन कर लिया हमने इसको, हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं। मैं टर्मिनल खोलता हूँ, देखते हैं यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं। यूज़ कर पा रहे हैं डेस्कटॉप, यस डेस्कटॉप पे यही है हमारे। मैं इधर साइबर बग भी क्रिएट करता हूँ, जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ पे हमारी निशानी होगी, ठीक है। क्रिएट कर दिया ls, जाओ डेस्कटॉप पे, आ गया साइबर बग वाली फाइल। इसको हम कैसे ओपन करना है वो देख लेना। ये सिर्फ वीडियो थी कि वाईफाई सिलेक्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं, इस पे भी और आगे वीडियोस चाहिए होंगी वाईफाई सिलेक्ट कैसे यूज करते हैं तो वो भी आ जाएगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो एंजॉय करो इस वीडियो को, एंजॉय कर ही चुके होगे अभी तक। लाइक ज़रूर कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और इंस्टाग्राम पे भी लोग क्वेरी भेजते हैं, ये वाईफाई सिलेक्ट की भी क्वेरी आ रखी थी, तो क्वेरी भेजते रहना। इंस्टाग्राम पे है अकाउंट मेरा, उसका यूज़र नेम है _cyberbug, जाओ उधर फॉलो करो, मैसेज करो और भेजते रहो क्वेरी अपनी, पूरा उसको पूरा भर दो, फ्लड कर दो, ठीक है। चलो इस वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड 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 आपको वीडियो अब रेगुलरली पक्का मिलेगी, पक्का।